गाइस ये 14 प्रो मैक्स Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, आज हम लोग लेने जा रहे हैं एक न्यू आईफोन. तो कौन सा आईफोन लेने जा रहे हैं वो देखने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा. तो हम लोग लेने वाले आईफोन रिलायंस से, तो देखते हुए आ जाके. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रिलायंस डिजिटल में, यहाँ से ही लेने वाले हैं हम. तो देखते हैं अंदर जाके कौन सा लेने वाला है, डिसाइड नहीं किया अभी तक. भाई कौन सा आईफोन लेने वाला है? चल चल हम लोग बाद में बोलेंगे आपको. गाइस ये 14 प्रो मैक्स, तो और ये 13 प्रो मैक्स. हम लोग लेने वाले हैं 13. तो कौन सा भाई? ब्लैक नहीं है ना यहाँ पर? नहीं इधर ब्लैक नहीं है, 13 ब्लैक नहीं है. गाइस हम लोग डायरेक्ट आईफोन लेके आ चुके हैं गांधी पार्क में. तो देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है, ये है आईफोन 13. सो हम लोगों ने लिया है आईफोन 13 मैट ब्लैक. गाइस मजाक कर रहा हूँ, वैसे ये हम लोग का जो फ़ोन है ये कल आ चुका था बिग बिलियन देश से. और आज हम लोग रिलायंस में सिर्फ इसका एडेप्टर लेने गए थे. बट बुरी बात ये है कि हम लोग को आज एडेप्टर नहीं मिला. रिलायंस में बोला कि हम लोग को 2 दिन बाद एडेप्टर मिलेगा. तो अभी जो ब्लॉग आप लोग देखने वाले हो ये हम लोग बनाने वाले आईफोन 13 से. तो देखते इसका जो कैमरा का क्वालिटी वो कैसा है. गाइस अभी ये जो ब्लॉग देख रहे हो ये बन रहा है आईफोन 13 से. तो देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है. अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मतलब 5 बज चुका है, तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं दिखाई देगा आप लोगों को. तो ये है यहाँ का गांधी पार्क, हमारे सिलचर का गांधी पार्क न्यू. इसको रेनोवेशन करके ऐसा न्यू बनाया है, देख सकते हो. ये ब्रो न्यू आईफोन लेके कैसा लग रहा है? ये बेसिकली ये जो आईफोन है ये इसका है, देख सकते हो. ऊपर क्या चल रहा है, क्या कान चल रहा है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे. तो काफ़ी अच्छे से रेनोवेशन किया है ये वाला जो गांधी पार्क है, देख सकते हो. तो गाइस अभी हो रहा है कंपैरिजन दोनों फ़ोन पे, एक है आईफोन 13 और एक है आईफोन 12, देख सकते हो. तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि दोनों का डिफरेंस कैसा है. गाइस ये है हमारा स्पाइडरमैन, तो देख सकते हो इसके गोद में जाके बैठ जा भाई. सेम पोज ब्रो. यो देख सकते हो यहाँ से गांधी पार्क का नज़ारा. यहाँ चल रहा है ट्रेन, मिनी ट्रेन, देख सकते हो. हाँ बेचारी गिर गई सर. ओके गाइस मैं इसका फुल एक जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ. रुको
तो गाइस का हाईएस्ट जूम है 3x, देख सकते हो वहाँ पर ऊपर क्या उड़ रहा है। जूम आउट करके दिखाता हूँ, देख सकते हो ये है वाइट एंगल पे। और गाइस ये है गांधी पार्क का बेस्ट व्यू, देख सकते हो। आई लव सिलचर। सो ये वाला जो बनाया है ये असम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया है, देख सकते हो। दोनों फोन का स्टेबिलिटी देख सकते हो यार, काफी मस्त है। स्टेबिलिटी में तो दोनों का फोन का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत कंपैरिजन है, देख सकते हो। आईफोन 13 का जो डीजल है वो थोड़ा अच्छा है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। अभी शायद यहाँ पर लाइट भी लगने वाला है, उसके बाद तो काफ़ी मस्त लगेगा ये वाला सीन। आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा आईफोन 13 का जो वीडियो क्वालिटी वो कितना अच्छा है। तो ये जो वीडियो है ये अभी मैं बना रहा हूँ अपने आईफोन 12 से, तो इसका क्वालिटी भी इतना बेकार नहीं है, थोड़ा बहुत अभी मुझे बेकार लग रहा है आईफोन 13 यूज़ करने के बाद। और यहाँ का जो लाइटिंग कंडीशन है उसके साथ तो और भी मस्त लग रहा है जो फेस है वो। वैसे तो हम लोग का फेस तो बहुत बकवास है, हम लोग को पता है। शाम के टाइम गांधी पार्क काफ़ी सुंदर लगता है। हम लोग पहली बार आ रहे हैं गांधी पार्क में, देख सकते हो। वैसे हम लोगों को यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, बस हम लोगों ने सोचा कि आईफोन 13 का जो वीडियो है उसका टेस्ट कर लिया जाए, कैमरा का थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। और आप लोगों को भी थोड़ा मतलब दिखा दिया कि आईफोन 13 का जो कैमरा है उसका क्वालिटी कैसा है। अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहता है तो खरीद सकता है, काफ़ी अच्छा कैमरा है उसका। हम लोग निकल चुके हैं गांधी पार्क से और अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, बाय।